नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कोरोना वायरस को लेकर भारत देश हरकत में आ चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आह्वान करते हुए कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव के लिए हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य में कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए प्रशासन को आगाह किया है, जिसके चलते सोना SP सत्येंद्र कुमार ने मीडिया के माध्यम से लोगों को संदेश देते हुए कोरोना वायरस से बचने के उपाय बताए, साथ ही लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये भी बताया। ACP साहब, कोरोना वायरस को लेकर आपने क्या शुरुआत करी है, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो आप? ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो और अपने मास्क रखें और एक दूसरे के हाथ वगैरह मिलाते हैं, ये क्यों नाक से मुंह से ये वायरस आता है। और सबसे ज्यादा हिदायत यह है कि बहुत ही जरूरी एहतियात रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक दूसरे के हाथ मिलाना, ये मास्क रखना, सैनिटाइजेशन यूज करना और इकट्ठे ना होना। जो अपने होटल है, ये अपने जिम है, पिक्चर हॉल है, इनके बारे में आपने क्या मतलब? हाँ, ये बंद रहेंगे। कब तक? देखो, जब तक अगले आदेश से, जब तक तो उस टाइम तक ये ना चले, क्योंकि इनमें जो जाते हैं लोग एक दूसरे साथ रखते हैं तो उससे फैलने की ज्यादा संभावना होती है। यहाँ के लिए आपने कोई अपने प्रेस्क्रिप्ट दी है आपने, मतलब जिम वालों को या अपने कोई मॉल वगैरह को? सबसे माध्यम से भिजवाए सारे मैसेज, सब्जी के पहुंच जाए और मान लो खुलते मिलते डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट, वो भी सरकारी डिपार्टमेंट, वो भी इनको एहतियात कर रहे हैं। जो भी खुलता मिलता है, मिला पाया, जब जिम वगैरह है, अपने मॉल वगैरह है, उनके प्रति क्या कार्रवाई करोगे फिर? वो भी DC को जो है पावर किसम, तो उन्होंने आदेश जारी कर रखे हैं, जो सरकार के नियम होते हैं उसके अनुसार लीगली कार्रवाई करते होंगे। गुरुग्राम जिले के सोना से KKD न्यूज संवाददाता अशोक गर्ग की रिपोर्ट। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए KKD न्यूज।